सो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपका अपने चैनल टी वी एस सर्विस जेड में। जैसे कि आप लोग को मालूम है, टी वी एस कई प्रकार की गाड़ी, कई डिजाइन, कई कलर, हर एक डिजाइन हर कलर में गाड़ी निकाल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को इसका मीटर दिखाएंगे। ये बाइक न्यू लॉन्च हुआ है, सॉरी इधर से नहीं दिख रहा है, दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सॉरी इसका लाइट नहीं दिख रहा है, ज़्यादा यूर है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप लोग को हम दिखाएंगे क्या, तो ये जो बाइक है स्मार्टिंग कनेक्टेड है। देखिए अपने लफ्ज़ में बोला जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टेड गाड़ी है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके कहीं जा सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। अगर आपका गाड़ी कहीं खड़ा है तो हम देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं मेरा बाइक कहाँ पर है, क्या हो रहा है, कोई है तो नहीं मेरे गाड़ी के पास, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसे काफ़ी चीज़ चेंज किया है, टायर भी चेंज किया आगे का, पीछे का भी टायर चेंज किया है, और चैन में भी कुछ कुछ चेंज किया है। काफ़ी गाड़ी भयंकर बना दिया है, स्मार्टिंग कनेक्टेड जो है बाइक है काफ़ी भयंकर बना दिया है। जैसे कि आप लोग को हम दिखाएंगे, देखिए इसका टायर काफ़ी इसका चेंजिंग कर दिया है, पहले से जो टू बी है पहले वाला मॉडल उससे ही चेंज कर दिया टायर, ताकि स्लिप न हुए। इसका इंजन जो है थोड़ा हैवी कर दिया है, इसीलिए इसका टायर भी कुछ चेंज कर दिया, इंजन की वजह से टायर भी करना पड़ा कंपनी को। तो इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस है ऑन रोड 158,000, इसका प्राइस है ऑन रोड 158,000। और इसका माइलेज भी वही सेम है, कुछ कुछ कम है इधर उधर, जैसे कि उसका अगर 60,055 है तो इसका 50 होगा, उसका अगर 60 है तो इसका 50 होगा, 55 होगा, इतने यही सब कुछ कुछ मतलब चेंज होता है। इसका रिम के टायर की वजह से इसका माइलेज थोड़ा कुछ घटेगा, इसका टायर चौड़ा है इसीलिए इसका माइलेज घटेगा। तो वही चीज़ आप लोग को हम बता रहे थे, इसका इंडिकेटर वही सेम है, हेडलाइट भी वही सेम है, जैसे कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं, वही चीज़ है जो बाइक में टू बी में रहता है वही चीज़ इसमें भी है। हेडलाइट में डियालर है, वही चीज़ है, चाबी ऑन कीजिए एक नीचे वाला जलेगा और साइड वाला आँख जो है ये भी जलेगा। स्टिकर भी सब सेम है, और इसमें ब्लूटूथ दिया है, और कुछ कुछ कंपनी चेंज किया है, जैसे इसमें मोड भी दिया है, देखिए स्मार्टिंग कनेक्ट रहेगा जिसमें, तो ई मोड एक्स्ट्रा देगा। ई मोड तो हर बाइक में रहता है, लेकिन ई मोड एक्स्ट्रा देता है, काहे के लिए देता है, वो कई प्रकार का ये आता है, मतलब ई मोड काहे के लिए दिया, इसको किस लिए दिया, तो ये जो है अगर ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है तो इसके माध्यम से आप मिला सकते हैं ब्लूटूथ, तो इसीलिए देता है कंपनी, इसमें कुछ कुछ मतलब चेंज करके देता है कंपनी, ताकि कंपनी अपने आप पे भरोसा रखता है कि गाड़ी अगर हम बना रहे हैं तो किसी ऐसा गाड़ी बनाएंगे कि हर कस्टमर को पसंद होगा बाइक और सबको अच्छा लगे। भाई जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो खरीदेगा काहे बाइक। तो इसका इंजन देखिए, फोर बी जैसा इसका इंजन भी बना दिया, जैसे फोर बी का इंजन है उसी तरह इसका इंजन भी बना दिया है, ठीक है, इसीलिए इसका टायर चौड़ा किया है, इंजन की वजह से टायर भी इसका चौड़ा किया इसीलिए किया है। देखिए इसका टोटल बॉडी भी देखिए, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी हर वक्त हर समय चेंजिंग करते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है चेंज, जैसे धीरे इधर का भी, मतलब वो हरदम कंपनी सोचता है क्या चीज़ बनाऊँ जो अच्छा लगे, उसको जो चीज़ थन लगी उसको उठा के फिर से बनाएगा। ये जो था पहले वाला जो ई था सेल्फ मोटर, कुछ आउट जगह लगता था, अभी जो है कुछ सेम कर दिया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, इसीलिए मोटर भी यहाँ दे दिया, काफ़ी कुछ कुछ चेंज कर दिया, इंजन में थोड़ा आगे कर दिया है, कुछ कुछ कंपनी करते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।